आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकास खंड के निवेदिता महिला मंडल की पदाधिकारी और सदस्यों ने निवेदिता भवन परिसर में फलदार और छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण को सहेजने अभिनव पहल की। निवेदिता भवन परिसर में आयोजित एक सादे समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, कमलेश यदुनगर के युवा नेता ने माँ सरस्वती के तेलीय चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर आयोजन की विधिवत शुरुआत की। वृक्षारोपण समारोह में उपस्थित महिलाओं ने दिन और दिन विलुप्त हो रही प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को सहेजने आयोजनों में उपस्थित महिलाओं को प्रेरित करते हुए भवन परिसर के अहाते में फलदार और छायादार पौधे रोपकर अभिनव पहल की। महिला मंडलों को मैं तो बहुत बात दूंगा, इसकी वृक्षारोपण है और आज इस कैंपस के अंदर लगा हुआ वो जीवित है। लोग तो वृक्षारोपण करते हैं लेकिन देख रेख में कमियों के कारण वो पौधे मर जाते हैं, तो आज वो जीवित की अवस्था में दिख रहा है। तो मैं इन समिति और मैं इन माताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो जीवित रखी हैं और जो आज फिर से भी वृक्षारोपण बचे हुए स्थल पर दिखा रहे हैं, उनका हमारा दायित्व रहा सब मिलकर उन पौधों को सुरक्षित रखें और जीवित रखें, ये हमारा रहेगा। और जो हमसे सहयोग चाहेंगी हम सहयोग देंगे उस वृक्ष को बचाने के लिए। आज हम खुशकिस्मत है कि हम आज आपके सामने टीवी में खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं भगवान की हम पर दया है। नहीं तो विश्व महामारी के चलते जो कोरोना काल में विश्व महामारी जो फैली थी उसका कहीं एक नई कारण था ऑक्सीजन की कमी, जो हमने प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया था उसकी सजा शायद हमें मिली थी, तो उसकी भरपाई हम शायद हमने यह सोचा कि हम शायद इसकी भरपाई आज हम पेड़ लगाकर हम महिला मंडल वालों ने यह तय किया कि हम पेड़ लगाकर संकल्प लेते हैं कि इस महामारी की जो वजह थी उसको हम दूर करें और ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको वो ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में हमारे बच्चों को हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह नसीब हो सके। इसके चलते हम लोगों ने 61 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सरपंच जी ने हमारा बहुत सहयोग किया है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद हूँ। वृक्षों की देखरेख की उनकी क्या जिम्मेदारी आप लोग लगा तो रहे हैं? वृक्षों की देखरेख के लिए भवन के अंदर हमने एक जो हमारे पास यहाँ पर एक केयर टेकर है वो पूरी साल भर उनकी उनका देखरेख करेंगे और रिंग रोड के वृक्षों की देखभाल के लिए हमने वहाँ पर एक धनी राम करके है व्यक्ति उनको। बिल्कुल, ये सराहनीय पहल है और ये निवेदिता महिला मंडल जो सन 1981 से संचालित है और इसको हम लोग बचपने से देखते आ रहे हैं। ये शुरू से ही सामाजिक सहभागिता और देश के समस्त सामाजिक दायित्वों का ये बखूबी निर्वहन करते आ रही है और मैं इन माताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा पहल करते हुए अपने इस भवन में वृक्षारोपण साथ ही यहाँ अन्य परिसर में 61 पौधे लगा करके ये एक संदेश देना चाह रहे हैं हम समग्र नगरवासियों को और देशवासियों को कि ये जब ये माताएं महिला मंडल वाले जब इतना वृक्ष लगा सकते हैं तो इसमें हम सब जनप्रतिनिधि और नगरवासियों को भी हम सब ये दायित्व है कि हम भी इनके साथ ऐसे इनके पहल का हम स्वागत करते हुए हम भी इसमें अपना योगदान। गरियाबंद से जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।